कहानी अब तक जीनू के साथ डंजन्स में घूमते घूमते जीनू लेवल अप हो जाता है और लेवल 40 क्रॉस करते ही उसे एज अ रिवॉर्ड जॉब चेंज करने का क्वेस्ट मिलता है, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद जीनू का सामना होता है कमांडर इग्रिस से, जो अब तक का सबसे पावरफुल अपोनेंट था जीनू के लिए। पूरा डंजन क्लियर करने के बाद जब जॉब चेंज करने की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो तब जीनू सबसे पहले नेक्रोमेंसर और फिर बाद में शैडो मोनार्क में इवॉल्व होता है, जिसके साथ साथ जीनू को कई सारी एबिलिटीज़ भी मिलती हैं, जिसमें इंक्लूड है शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, जीनू फिलहाल के लिए एक बार में सिर्फ 30 शैडोज़ को ही एक्सट्रैक्ट कर सकता है और सिर्फ 20 शैडोज़ को ही स्टोर करके रख सकता है, मगर ये लिमिट पूरी तरह जीनू के लेवल पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे जीनू का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये लिमिट भी बढ़ती जाएगी, जिसे हम अपने एक्सप्लेनेशन में ट्रैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे स्किल्स सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है जीनू की ओवरऑल पावर्स का, जो एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैटर भी नहीं करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर ये एक्सप्लेनेशन सीरीज़ सक्सेसफुल नहीं होती तो मुझे अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज़ को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि मेहनत मुझे हर वीडियोज़ में उतनी ही लगती है, तो मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं उन पर वीडियोस बनाऊं जिससे ऑडियंस देखना चाहती है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि लाइक और कमेंट के रेशियो से ही मैं ये पता लगा सकता हूं कि ऑडियंस में से कितने लोग इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं। डंजन से निकलने के बाद जीनू को उसकी सिस्टर जीना का कॉल आता है, जो कहती है कि उसे शाम को टीचर से मिलने के लिए जाना है। मगर जीना के स्कूल जाने से पहले जीनू बैंक में जाता है अपनी पासबुक को अपग्रेड करने के लिए, और तब हमें पता चलता है कि जीनू के अकाउंट में अभी फिलहाल 1.48 बिलियन है, जो भारत की करेंसी में कुल मिलाकर बनते हैं ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए। ये वो पैसे हैं जो जीनू ने कमाए हैं जीनू के साथ सी रैंक डंजन्स को क्लियर करके। उसके बाद फिर जीनू जाता है सीधे जीना के स्कूल में एकदम फुल स्टड बन के, जिसे देखकर वहां की लड़कियां फिदा हो जाती हैं जीनू के स्टाइल पर। पहली बार तो खैर उसकी खुद की सिस्टर नहीं मना कर देता उसे पहचानने से, बट ये दर्शाता है कि जो पिछली रात को हुआ उससे जीनू के अपीयरेंस पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। उसके बाद फिर जीनू जाता है टीचर से मिलने के लिए। टीचर ने जीनू को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि उन्हीं की स्कूल की एक स्टूडेंट हंटर बनने के चक्कर में स्कूल जाना अवॉइड कर रही है, और बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि उसने स्कूल में आना भी कम कर दिया है, और अगर यूं ही चलता रहा तो स्कूल को ही इस मामले में दखल देनी पड़ेगी। और वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि हानसोंग है, जिसे हमने सीजन 1 में पहले देख लिया है। अब क्योंकि हानसोंग जीना की सगी फ्रेंड है और जीनू खुद एक हंटर है, तो टीचर ने सिंपली उसके घर वालों से बात करने से पहले जीनू से बात करना सही समझा, ताकि जीनू खुद उसे एज अ हंटर हानसोंग को एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक रुक जाने के लिए समझा सके। फिर जीनू उससे मिलकर समझाता है कि एक हंटर बनना कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं है, और ये बात सिर्फ लागू होती है लो लेवल हंटर्स पर, क्योंकि एक ई रैंक हंटर किसी भी मॉन्स्टर का बैर हैंडेडली सामना नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी ई रैंक हंटर्स के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी भी मॉन्स्टर का बिना किसी हथियार के सामना कर सके, मगर उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिलते कि वो कोई ढंग के हथियार खरीद पाए। देखा जाए तो दोनों तरफ से ई रैंक हंटर्स को ही घाटा सहन करना पड़ता है। अब क्योंकि जीनू खुद इन सब चीज़ों से गुजर चुका है तो ये बात वो समझ सकता है, मगर जीनू या हानसोंग को लेक्चर देने नहीं आया है। जीनू कहता है, मैं तुम्हें एक महान हंटर बनाने के लिए आया हूँ। फिर चैप्टर के अगले पैनल में हमें पता लगता है कि जिस हंटर को जीनू ने एपिसोड 4 में मार डाला था, उसका भाई यूएस से कोरिया पहुंच चुका है, जिसका स्वागत करने के लिए मॉनिटरिंग डिवीजन से काम कर रहा जिन चूला है। अब क्योंकि इसका भाई जिसे जीनू ने मारा था वो बहुत फेमस था दूसरे हंटर्स को मारने के लिए, इसलिए उस पर कई आरोप भी लगे और कई इन्वेस्टिगेशन भी हुई। और जो कि डोंगसू खुद एक एस रैंक हंटर है, उसने हमेशा अपने भाई की इन्वेस्टिगेशन में अपनी टांग अड़ाई है, जिससे हर बार उसका भाई बच जाता था। और अब जबकि वो वापस कोरिया आया है तो हंटर्स गिल्ड उस पर से नज़र नहीं हटाना चाहते, क्योंकि जिनचुल जानता है कि ये यहाँ अपने भाई के कातिलों को मारने के लिए आया है। उसके बाद फिर हम जीनू और हानसोंग को किसी डंजन गेट के पास देखते हैं। दरअसल जीनू ने वाइट टाइगर के डिपार्टमेंटल चीफ सांगमिन को कॉल करके न्यू रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए पूछा था। अब क्योंकि जाहिर है कि सांगमिन यहाँ जीनू को अपने गिल्ड में शामिल करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है, तो जीनू को बिना किसी ऑब्जेक्शन के हाँ भी कर देता है। और हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है कि ये सब कुछ जीनू हानसोंग के लिए कर रहा है। अब सांगमिन को लगता है कि जीनू ये देखना चाहता है कि वाइट टाइगर गिल्ड अपने नए रिक्रूट्स को किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, और सांगमिन होप करता है कि अगर वो जीनू को इम्प्रेस कर पाया तो हो सकता है कि वो वाइट टाइगर गिल्ड भी ज्वाइन कर ले। और इसकी सारी अरेंजमेंट्स जीनू का कॉल आते ही उसने पहले कर दी थी। जो गेट वाइट टाइगर गिल्ड यूज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए वो एक सी रैंक गेट है। अब क्योंकि इस एरिया के आसपास पहले से ही काफ़ी सारे गेट्स फ्रीक्वेंटली ओपन होते रहे,
इस कॉन्सेंट्रेटेड एरिया को काफ़ी पहले ही खाली कराया गया है, जिससे जान हानि के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब आज की रेड में शामिल हैं 1 A रैंक, 7 B रैंक और 4 C रैंक हंटर्स। बट जिनवू को लगता है कि इतने सारे लोग और वो भी सिर्फ एक सी रैंक डंजन के लिए बहुत ज़्यादा हैं। जिनवू सोचता है कि यहाँ हानसोंग के लिए कुछ भी सीखने की अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलेगी। बट सांगमिन की बातें सुनकर हानसोंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो इसलिए अब जिनवू उसे मना भी नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जिनवू और हानसोंग बाकी हंटर्स के साथ गेट में एंटर करते हैं। और जैसे ही जिनवू उस गेट में अंदर जाता है, वैसे ही उसे कुछ फील होता है। उसे लगता है कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए जिनवू जाते जाते किसी तरह सांगमिन को उसकी और बाकियों की हेल्प करने के लिए मदद भेजने के लिए कहता है। फिर तब सांगमिन तुरंत ही वहाँ खड़े खड़े गिल्ड मास्टर को कॉल लगाता है, और रेड गेट का नाम सुनते ही गिल्ड मास्टर, जो एक एस रैंक हंटर भी है, वो यहाँ आने के लिए निकलता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर यूनू वहाँ पहुँच चुका है, और आते ही वो वहाँ गेट में जाने की कोशिश करता है, मगर गेट बाहर के लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है, तो गेट में भी नहीं जा सकते। अब जानकारी के मुताबिक रेड गेट एक दरवाज़ा है किसी दूसरे डायमेंशन का, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल ही अलग है हमारी धरती से, और ऐसा सिर्फ अब तक हाई रैंकिंग डंजन्स में ही देखने को मिलता है। जिसका मतलब ये है कि एसोसिएशन की तरफ से ज़रूर कोई गलती हुई है इस गेट को एक्सेस करने में, यानी ये गेट नए नए बोल के भी एटलीस्ट ए या बी रैंक का है, और अगर हंटर्स की किस्मत और भी खराब निकली तो एस रैंक। बट एस रैंक गेट पूरी कंट्री को एक एमरजेंसी सिचुएशन में डाल सकता है, जिसकी संभावना फिलहाल कम है। और फिर भी जो लोग वहाँ अंदर गए हैं वो लोग इतने पावरफुल नहीं है कि ए रैंक डंजन के मॉन्स्टर का सामना कर पाए, जिसकी वजह से उनके वहाँ से बचकर वापस आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। फिर नेक्स्ट पैनल में हम जिनवू और बाकी के हंटर्स को देखते हैं, और देखने भर से ही हम कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया ही अलग है। और जब वो लोग पीछे देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिस गेट से वो लोग अंदर आए हैं वो गेट भी अब गायब हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि वो लोग अब यहाँ फंस चुके हैं। और अब रेड गेट में से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो डंजन बॉस को हराओ या फिर डंजन ब्रेक का इंतज़ार करो। मगर जैसे ही वो सारे लोग थोड़ा आगे चले, वैसे ही उन पर कोई अचानक से हमला कर देता है। वो लोग हाई सेल्फ्स हैं, जो जाने जाते हैं हंटर्स का बड़ी बेरहमी से शिकार करने के लिए, इसलिए जो हंटर्स उन एल्व्स का पहले भी सामना कर चुके हैं वो लोग उन्हें आइस स्लेयर के नाम से बुलाते हैं। वो लोग तो हमला करके भाग गए, बट उस हमले में हमारे ग्रुप के 2 कमज़ोर हंटर्स भी घायल हो जाते हैं। बट एटलीस्ट हमें और जिनवू को ये पता चल जाता है कि उनका अगला दुश्मन कौन है। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हंटर्स के ग्रुप में से एक बंदा ए रैंक हंटर भी है, तो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। बेसिकली वो जिनवू के सामने होशियारी मार रहा था। अब क्योंकि रेड गेट का सबसे लोएस्ट डंजन अब तक बी रैंक रहा है, तो वो समझता है कि वो इस डंजन को क्लियर कर सकता है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि हम यहाँ से अब अलग अलग हो जाएंगे। एक ग्रुप सर्वाइव करने की कोशिश करेगा तो दूसरा इस डंजन को क्लियर करने की। यह बात सुनकर जिनवू चौंक जाता है। अब क्योंकि ए रैंक से बेहतर कोई हंटर उनके साथ उस वक्त मौजूद नहीं है, तो जिनवू जानता है कि उनके पास उस ए रैंक वाले का साथ देने से अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसी से उनके सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जैसा डिसाइड होता है वैसे ही वो ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इस दौरान जिनवू शांत था। जिनवू, हानसोंग और 3 और लोग सर्वाइवल ग्रुप में रहते हैं, और बाकी के लोग उस ए रैंक वाले के साथ उस डंजन को क्लियर करने के लिए निकल जाते हैं। फिर वहीं दूसरी ओर डंजन के बाहर सांगमिन गिल्ड मास्टर को जिनवू के बारे में बताता है, और ये भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिनवू रीअवेकनिंग से गुजरा है, जिसकी वजह से सांगमिन हर हालत में जिनवू को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहता है। मगर ऑफकोर्स यहाँ पर सांगमिन की बातें सुनकर गिल्ड मास्टर श्योर नहीं है कि वो नया बंदा जो फिलहाल ई रैंक है वो रेड गेट को हैंडल कर सकता है या नहीं। बट फिर उसी वक्त वहाँ डोंगसू आ पहुँचता है, और उसे किसी तरह पता चल गया था कि जिनवू इस वक्त कहाँ है, और उसे देखकर गिल्ड मास्टर के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए, क्योंकि वो और उसके बाइक के कारनामे बहुत फेमस है। कोरियन हंटर्स के लिए डोंगसू किसी गद्दार से कम नहीं है, क्योंकि उसने कोरियन सिटीजनशिप छोड़ दी सिर्फ US सिटीजनशिप को पाने के लिए, ये जानते हुए भी कि कोरिया को एस रैंक हंटर्स की कितनी ज़रूरत है। सिर्फ पैसे और फेम पाने के लिए वो देश छोड़कर चला गया। उसे देखते ही गिल्ड मास्टर गुस्से से लाल हो जाता है, क्वाइट लिटरली। अब क्योंकि जिनवू और बाकी के लोग रेड गेट में फंसे हुए हैं, तो गिल्ड मास्टर और डोंगसू सहित बाकी ये लोग वहाँ पर गेट के बाहर खड़े रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं रेड गेट में जिनवू और बाकी के लोग जंगलों में आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए भी कि इस जंगल का पूरा इलाका पोलर बेयर्स की टेरिटरी है। फिर उसी वक्त जैसा एक्सपेक्टेड था, एक पोलर बेयर मॉन्स्टर जिनवू के ग्रुप पर हमला कर देता है, जिसे जिनवू ने उसे सिर्फ एक ही पंच से हरा दिया। ये देखकर ऑब्वियसली लोग हैरान थे, और किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिनवू अभी भी उनकी नज़रों में एक ई रैंक हंटर है। मगर जिनवू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करने का थोड़ा सा भी मौका गंवाना नहीं चाहता है। मगर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि रात में कैंपिंग करते वक्त
वो पोलर बेयर मॉन्स्टर्स गलती से चिनू से टकरा जाता है, और वो भी उस वक्त जब वो अकेला डेली क्वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बाकी उसे थोड़ा दूर आया हुआ था। बस फिर क्या था, पोलर बेयर मॉन्स्टर्स की संख्या देखकर चिनू खुद को आउट नंबर फील कर रहा था, इसलिए चिनू अपने शैडो वॉरियर्स को समन करता है। शैडो वॉरियर्स और पोलर बेयर मॉन्स्टर्स की लड़ाई को देखकर चिनू तो हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शैडो वॉरियर्स इतने पावरफुल निकलेंगे कि वो मॉन्स्टर को सिर्फ कुछ ही क्षणों में बहुत बुरी तरह से हरा देंगे। मगर दोस्तों इसका डाउनसाइड भी है, अब क्योंकि चिनू के शैडो वॉरियर्स मर नहीं सकते, तो उन्हें बार बार रिजनरेट होने के लिए चिनू के माना पावर्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम शॉर्ट में MP कहेंगे। यानी जितनी MP चिनू के पास है, शैडो वॉरियर्स उतनी बार रिजनरेट हो सकते हैं। और उन सारे बियर्स के साथ फाइट करते करते चिनू की MP ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, मगर वो जानता है कि खतरा अभी टला नहीं है। वहाँ पर एक और बेयर मॉन्स्टर था जो बाकियों के मुकाबले साइज में कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। अब क्योंकि चिनू के पास MP ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो वो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए कमांडर इग्रिस को भेजता है, जिसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा उस मॉन्स्टर को हराने में। बस फिर क्या था, चिनू फिर एक बार और उस जादू शब्द का प्रयोग करता है, और फिर अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल के जरिए उन सभी मारे गए बेयर मॉन्स्टर्स को शैडो वॉरियर में तब्दील कर देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। My hand in the fight on my title called Liu Kang. Bitch, Bruce Lane. No Spider-Man, I ain't falling for